सलमान खान का फेमस कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 18 इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बिग बॉस के सीजन का टैगलाइन टाइम का तांडव है। घर में आते ही कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई झगड़े शुरू भी हो चुके हैं। शो को शुरू हुए अभी महज 3 ही दिन हुए हैं और टीआरपी के मामले में ये शो धमाल मचा रहा है। घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए नॉमिनेशन टास्क भी हुआ जिसमें चाहत पांडे और विवियन के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ। वहीं अब एडवोकेट गुणरतन सदावर्ते का ऐसा रूप देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बिग बॉस 18 का नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में बिग बॉस कहते हैं कि मैं अविनाश, करण और ईशा को एक विशेष अधिकार दे रहा हूँ कि वो तीनों किसी भी एक सदस्य को चुने जो जेल में बंद रहेगा। इस पर करण कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गुणरतन जी को ये सुनते ही गुणरतन जी भड़क जाते हैं। गुणरतन कहते हैं, मैं अभी क्विट कर लेता हूँ और खुद को नॉमिनेट कर लेता हूँ। मैं नहीं जाऊँगा, मुझे सजा मंजूर नहीं है। सवाल टॉर्चर का नहीं भूमिका का होता है और कोर्ट में भी हम ऐसी ही भूमिका रखते हैं। मैं अन्न और पानी त्याग करता हूँ, मेरे से सरकार डरती है। ये हमसे नाइंसाफी नहीं हो सकती है, ये पहले ही बोला गया था। बस फिर क्या था, इतना बोलते ही गुणरतन अपना आपा खो देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी ऐसी हरकत देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं। बिग बॉस 18 में इस बार विवियन वायरल भाभी हेमा, एडवोकेट गुणरतन, आयशा सिंह आरफीन और सारा और अनुपमा की एक्ट्रेस मुस्कान बामने, फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल, खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर करणवीर मेहरा, अरुणाचल प्रदेश की चुम दारांग अविनाश मिश्रा, शिल्पा शिरोडकर, नायरा बैनर्जी, श्रुतिका अर्जुन, बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, एलिस कौशिक, ईशा सिंह ने एंट्री की है। आप देख सकते हैं कि बिग बॉस को शुरू हुए अभी महज 3 ही दिन हुए हैं और माहौल घर का एकदम गर्मा गया है। हर कोई जमकर तमाशा कर रहा है और घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि किसकी कितनी बनती है और कौन होगा इस बार का विजेता।